अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां, एशियन ट्रेड टीवी से प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक में। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, और मेरे साथ मौजूद है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट। हम जानते हैं इस प्रोग्राम में ख्वाबों से तबीर में उनकी सक्सेस स्टोरी, वो यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या क्या उनको मसाइल का सामना करना पड़ा बतौर खातून, और आगे फ्यूचर में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या क्या कर रहा है, ये जानने के लिए मैं चलता हूँ उनकी तरफ। फायजा अमजद मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं। पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आज आपने, यानी कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एज ए प्रेजिडेंट आप काम कर रही हैं। और अब थोड़ा सा इस जर्नी के मुतालिक बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट लिया और आज वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आप प्रेजिडेंट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा एक चैम्बर है हमारा, पाकिस्तान के चैम्बर्स में से जो काम कर रहा है। अब थोड़े से डिटेल में आपके मुतालिक आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए। बहुत शुक्रिया आपका मधु करने के लिए शाहिद साहब। मेरी सक्सेस स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। कॉलेज लाइफ से मैं थोड़ी सी चीज़ें बेचने में, और जो कॉलेज में स्टॉल्स रखते थे और इसमें पार्टिसिपेट करती थी, तो उसमें मतलब मुझे एक लगन होती थी कि अब मैंने स्टॉल खरीदा है तो मैंने कुछ करके दिखाना है, मैंने कामयाब करना है, पैसे पूरे करने हैं, जैसे कॉलेजेस में होता है। तो बस वहीं से आप समझे स्टार्ट किया, और मुझे लगा कि मेरी बिज़नेस स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं समझती हूँ कि कॉलेजेस का बहुत इसमें अहम रोल है। इकोनॉमिक्स कॉलेज से मैंने पढ़ा, वहाँ पर मैं क्रिएटिव थी, शुरू से ही क्रिएटिवनेस थी मेरे में, और मैं कपड़े बनाती थी और लोग बहुत पसंद करते थे। फिर कॉलेज के बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने मास्टर्स टेक्सटाइल किया, तो जब भी कपड़े बनाए बहुत पसंद किए, कि मेरे सब प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मदर शुरू से काम कर रही थी, तो जब हम दो लोग मिल गए तो काम बहुत बेहतरीन हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लस इनोवेशन दोनों चीज़ें इकट्ठी थी, और कुदरत ने बहुत साथ दिया। तो इस तरह चलते रहे, और साथ में मैंने थोड़ा होम्योपैथिक का कोर्स कर लिया, जो कि 5 साल की डिग्री थी। मैं चाहती थी कोई फीस से भी लीला काम भी करूँ, उसकी भी मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी निकाली, तो वो भी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी मेरी। बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बस मुझे अल्लाह ने बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस दिए, तो कोको कोला की तरफ से मुझे ऑफर हुई, और एज अ पाकिस्तान की मैं फर्स्ट एंड ओनली फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना वेयर हाउस है, और अपने हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम लोग लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोक के ऑल प्रोडक्ट्स। तो बस ऐसे ही चलते चलते मैंने हमेशा यही सोचा कि जो काम करना है बहुत मेहनत और लगन से करना है, इस अपने साथ बेईमानी नहीं की, और नहीं अपने सामने वाले से बेईमानी की, चाहे वो कस्टमर है, चाहे मेरा क्लाइंट है, या चाहे मेरा मतलब जो भी है, मैंने कभी उससे बेईमानी नहीं की, बहुत डेडिकेटली काम किया है। तो अल्लाह ने इसमें मदद की, और फिर चैम्बर में जब मैं आई तो मैंने सोचा कि कुछ करके दिखाना है तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा, और आगे आने के लिए मेहनत ज़रूरी है, तो मेहनत की। और मैं समझती हूँ कि मेहनत रहेगा नहीं जाती, अल्लाह के हर वक्त मौके पर मदद करता है। अगर एक चीज़ में आप नाकाम हो रहे हो तो किसी और तरफ आपकी हेल्प हो रही होती है, तो मेहनत मेरे सामने आई है, अल्लाह ने लेके आई है, और मैं यहाँ पर इस वक्त प्रेजिडेंट हूँ। वेल डन, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती और अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते। तो ये सब कुछ इतना इजी नहीं था जितने इजी तरीके से आपने अभी बता दिया। माशाल्लाह अपना इतना आपने कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपने इंट्रोडक्शन कराया, कोक के भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं फर्स्ट, यानी कि हाँ जी, तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, यानी कि ये कोई खास आपकी तौर पर था कि आप सोचती थी ये कि आपके आपका एम था यहाँ तक आने का? शायद साहब हादसा थी तो कुछ भी नहीं होता, हादसा भी जो है ना दो लोगों की वजह से ही क्रिएट होता है, कोई भी चीज़ हादसा थी नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लाइन होती है, हमारी सोच होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ कर दिखाने की जस्तजू नहीं है, तो आई एम सॉरी आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस हो या फिर जॉब हो, आपने कुछ करके दिखाना ही है, तो ही आप, हर चीज़ की एक कीमत है, सक्सेस की भी एक कीमत है और फेलियर की भी एक कीमत है। मसला सिर्फ ये है कि सक्सेस के लिए आप मेहनत करते हैं और फिर जाके हमें भी कामयाबी मिलती है, और फेलियर के लिए हम कुछ नहीं करते और हमें नाकामी मिलती है। तो हम लोगों ने मेहनत की है, अपनी डायरेक्शन सीधी रखी है, अपने काम के को छोड़ा नहीं है। बीच में कई दफ़ा ऐसे हालात आते हैं कि बिल्कुल काम नहीं होता और ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल ख़त्म होने लगा है आपका बिजनेस, लेकिन यही वक्त होता है साबित करने से रहने का।
हर एक की जिंदगी में मसाइल आते हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, उसमें लगे रहे, क्योंकि जब आप एक काम छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा करते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहते। जिस काम को पकड़ा है उस काम को पूरा करें, चाहे मोची बने, पर ऐसा मोची बने जो कि कामयाब तरह हो और लोग आपको जाने। यहाँ पर मैं देखती हूँ लोगों ने छोटे छोटे खोखे बनाए होते हैं, हरी बनाई है, किसी ने चने में मशहूरी की तो इतना मशहूर हुआ कि पूरे लाहौर में मशहूर हो गया। यानी कि आपने जो काम करना है ना, इतना बेहतरीन करना है कि वो आप एंड तक लेके जाए, तो कोई वजह ही नहीं है कि क्यों ना आप कामयाब हो। बाकी नो डाउट आपके जो मैं पर्सनली आपसे बहुत इंस्पायर हूँ आपकी इन बातों से। अब वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालिक थोड़ा सा बताइए, ये कब से ऑर्गेनाइजेशन है और ये खवातीन के लिए क्या कर रही हैं, और आप एज ए प्रेसिडेंट आ रही है, ये बहुत ऑनर की बात है कि एक प्रोफेशनल लेडी यहाँ पर बैठी हैं मेरे सामने। तो आप क्या समझती हैं कि तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में खवातीन का घर से निकलना, काम करना, लोगों को ये नहीं पता कि वुमेन चैम्बर का रोल क्या है हमारी खवातीन, अब थोड़ा सा डिटेल में इस पर बताइए कि वुमेन चैम्बर है क्या, ताकि आम लोगों तक ये मैसेज जाए, ठीक है, और खवातीन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और आपका प्लान क्या है, किस तरह से, थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। मैं समझती हूँ कि आज की खातून जो है, खासतौर पर पाकिस्तान की खवातीन, उस लिहाज से बहुत लकी है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। पहले वक्तों में एक खातून का घर से निकलना वाकई बड़ा मसले वाली बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो खवातीन घर बैठी हुई हैं और जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो क्यों बैठी हुई है? मैं तो पहले से उनसे सवाल करती हूँ कि क्या वजह है उनके बैठने की, क्या टीवी देखने के लिए या कि घर के काम करने के लिए। ये सब कुछ एक एक औरत जो कि काम करने वाली वो कर सकती है। हाँ, ये एक सर्वे से पता लगा है कि काम करने वाली औरतें ज़्यादा अच्छी मैनेजर्स होती हैं, उनके बच्चे होंगे कैल्शियम लेवल ज़्यादा अच्छा है, उनके स्कूलों में हाजिरी ज़्यादा है और वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज है बनस्बत उन औरतों के जो घरों में बैठी टीवी के ऊपर चैनल्स घुमा रही हैं या फोनों पर गप्पे लगा रही हैं। अल्लाह ने औरत को इतनी सलाहियत दी है कि वो एक वक्त फिर कई काम इकट्ठे कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि आप लोग अगर आपके पास थोड़ी सी भी फरागत है तो घर के काम मुलाजमत भी कर सकते हैं और आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, और आपके काम करने की वजह से आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर होगा, आपकी मईशत, आपकी घर की पैसों की आमदन में बहुत इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक डिप्रेशन और एक उसका शिकार नहीं, डिप्रेशन और परेशानी का शिकार नहीं होगी। आपकी सलाहियतें जब ज़्यादा कारोबार में आएंगी तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर एक माशरे का अच्छा फर्क बन सकते। अच्छा, आप जहाँ तक वुमेन चैम्बर का है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए ऑफर्स कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। आप चाहे बिल्कुल नए तौर पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस, या आप ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं और आपको समझ नहीं आती उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या आपके पास पैसे हैं और ये भी समझ आ रहे बिज़नेस क्या कर रहे हैं, या आपके पास पैसे भी नहीं है बिज़नेस भी नहीं है और आइडिया है कि काम कैसे किया जाए, तब भी आप हमारे पास हैं। हम आपको एक सीधी राह दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये ऑप्शंस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसमें कहाँ फॉल करती हैं। वहाँ पे आए आप, जब हमारे से डिस्कस करेंगे, बात करने में ही बहुत सारी बेहतरियाँ निकल आती हैं। आप दोबारा आफर में उस औरत नहीं करना है, हमारा काम है गाइड करना। पहले वक्तों में तो गाइडलाइन भी नहीं मिलती थी, हमें ये नहीं समझ आता था करना क्या है। सब जब कुछ समझ नहीं आई तो खवातीन ने बुद्धि बना दी, कुछ समझ नहीं आई तो ब्यूटी पार्लर की तरफ चला दी। ये दो काम थे जो कि फेवरेट थे, या फिर जॉब कर ली, टीचिंग कर ली। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि खवातीन के पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, इतने अच्छे कि वो घर पर बैठ के इंटरनेट के जरिए काम कर सकती हैं। हाँ, एज अ वुमेन चैम्बर हमने ई कॉमर्स का यहाँ पर एक अदारा बनाया है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री की तरह से आपको घर पे ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक महीने का कोर्स करके घर में बैठे इंटरनेट पे चीज़ें बेच सकते हैं, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास कोई आइडिया है, आप हम आपको बड़े बिजनेसमैन से मिला सकते हैं जो कि आपके साथ चल के जाहिर है हर बंदे को, हर एक बंदे की ज़रूरत है। ये अगर एक किसान नहीं है ना हमारे पास जो कि बिल्कुल सब्जी उगाता है तो हम कल का खाना नहीं खा सकते, ये मुर्गी वाले नहीं है तो हमारे घर में खाने के लिए मुर्गी नहीं आ सकती। हर एक बंदे की मशरे में ज़रूरत है, सिर्फ हमें अपनी एडियर चाहती है। लोग कहते हैं ये बहुत छोटा सा काम है, हम कैसे करें? भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपकी सोच छोटी नहीं है। आप काम स्टार्ट करें, आपने घर में चाहे सब्जियाँ उगानी है, ऑर्गेनिक करनी है,
आपका दावा होना चाहिए, आप कहते हैं कि केमिकल फ्री पानी हमने दिया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो कि केमिकल पानी हो, तो आप यकीन करें लोग दौड़ के खरीदेंगे। आप बात तो करें, आप कुछ करने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ आप घर के अंदर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने आइडिया को ड्रॉइंग कार्ड लाने के लिए हमारे पास आए, चैम्बर आपकी हेल्प करेगा, हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। जो हमारी गलतियाँ थी, जो हमारे तजर्बे हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे चैम्बर पे आके आप रजिस्टर हो, बिल्कुल मिनिमम फीस है, ना होने के बराबर है, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए हमारा मेंबर बना देते हैं। आपको ATM से घुसला है, कोई टैक्स बनाना है, टैक्स पेयर बनना है, या आपने रजिस्टर कंपनी करानी है, हम ये सब कुछ आपके लिए एक फोन कॉल के ऊपर करा के दे सकते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आप आगे चलकर ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको हम लोग ऑनलाइन ना सिर्फ काम करना सिखाते हैं, बल्कि बेचना और खरीदना भी सिखाते हैं। आप वर्कशॉप्स के अंदर जान सकते हैं कि बैंकिंग कैसे की जा सकती है, आप वर्कशॉप से जान सकते हैं कि आपको स्टेट बैंक के साथ लोन्स कैसे लेने हैं, या किसी से लोन सही तरह से अपने बिजनेस के लिए कैसे चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको वुमेन चैम्बर का मेंबर होना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि आप आएँ हमारे चैम्बर में और हम लोगों से मशवरा करें, हम लोग जहाँ पे हाजिर हैं आप लोगों के लिए, और जितनी खवातीन काम करेंगे हमारे मुल्क की मीशत बेहतर होगी, हमारे मुल्क को आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, जब मैं हैरान होती ऐसी औरतों पर जो कि आगे हमें कहती हैं कि आप हमें जो है ना सिलाई मशीन ले दें, बाद में पता लगता है वो सिलाई मशीन के लिए और इस्तेमाल होती है, उन्होंने बेच के उसके पैसे खा लिए। हम अब ऐसा चाहते हैं कि उन खवातीन को प्रमोट करें जो कि बाकी काम करना चाहती हैं। अभी बहुत सारे अच्छे लोग जो है ना इस वजह से पीछे हो गए हैं, क्योंकि लोग फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं। हमारा चैम्बर इसलिए बैठा हुआ है कि हम लोग देखें कि कौन लोग बाकी काम करने वाले और कौन लोग नहीं काम करने वाले, फिर आप उनका गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन कराते हैं। अब दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, बहुत सारे जगहों पर इंटरनेशनल फैशन शोज हो रहे हैं, जो लोग उधर नहीं पहुँच पाते हैं, हम आपके ज़रिए आपके ताबुत के जरिए से उन लोगों को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छी बातें हमने बताई हैं। नो डाउट जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम देखते हैं किसी मुल्क में जाके आजकल खवातीन जो है वो मर्द हजरात के शाना बशाना काम कर रही है, और किसी गवर्नमेंट में या किसी सोसाइटी में खातून का एक रोल है, ठीक है, जिससे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में एक आम खातून जो घर बैठी है, उसको वुमेन चैम्बर का रोल नहीं पता, जिसको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता है, लेकिन वो कुछ करना चाहती है अपने सोसाइटी में और अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है, वो किस तरह से आप तक यानी पहुँच पाएगी, यानी कि वो कैसे कॉन्टैक्ट में आएगी आप लोगों की, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की? हम लोगों ने इसके लिए तो इंटरनेट पे वेबसाइट बनाई हुई है, फेसबुक के हमारे पेजेस हैं, फोन नंबर हमारी वेबसाइट पे होता है। आप कोई भी बंदा अगर देख काम करना चाहता है, वो जब वो भी चैम्बर लाहौर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, अगर वो इंटरनेट पे डाले तो फोन नंबर तो निकल सकता है, आप 1217 से फोन करके इसका चैम्बर का नंबर ले सकते हैं, फोन नंबर लेके आप हमें कॉल करें। यहाँ पर 9 to 5 ऑपरेटर होते हैं जो कि आपका नंबर लेके आपकी बात पहुँचा बिल्कुल आप तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप किसी की भी राह चलते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक वो हमारा मेंबर नहीं है। और मेंबरशिप फीस 4,500 जो कि नथिंग है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेंबर होंगे तो हमें भी एक तसल्ली होनी चाहिए कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी राह पे तो नहीं है जो कि दो नंबर तरीका हो, या कोई हुकूमत या हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पे कोई कई अदारे ऐसे हैं जो कि अंदर खाने गलत काम कर रहे हैं। तो मेंबर बनाने का मकसद ये होता है कि हमें पूरी तसल्ली होती है कि ये एक बिल्कुल ठीक और सही तौर पे सही सिर्फ पे काम कर रहे हैं। फायसा, आप कोई मैसेज देना चाहें न्यू जनरेशन को और जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए, एक मसले रहा, क्योंकि नो डाउट मैंने आपका देखा जिस तरह से आपने तरक्की की, यहाँ तक आई और कर रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ठीक है। तो आप कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि आजकल लोगों को ज़रूरत है मैसेज की, अच्छे मैसेज की। जी, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले मैसेज तो हम जैसी खवातीन के लिए जिन्होंने घरों में अपनी जो बच्चियाँ अपने साथ कर्ज रखी होती, मैं
नहीं चाहती थी कि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ स्किल, कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए. हम अपने घरों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए कि वो आगे चल के अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए एक अच्छा बासर शहरी साबित हो सके, एक चीज़ है. और दूसरा दिन मैं समझती हूँ कि कोई भी जिंदगी का काम पैशन के बगैर नहीं चल सकता. आपने घर में खाना भी पकाना है ना और शौक से डिनर पका रहे तो खाना भी मजे कर, तो आप बिजनेस करने का या जिंदगी में बच्चों को आगे लेके चलने का या अपने घरों को चलाने का कैसे सोच सकते हो बगैर पैशन के. इतना जज्बा पैदा करें, कुछ कर दिखाने का जज्बा करें. कोई दुनिया का काम जज्बे के बगैर नहीं हो सकता. एक मकसद हयात होना चाहिए. छोटे होते बातें सुनते थे समझ नहीं आती थी, पर अब समझ आती है कि मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का, कि आपने क्या करना है, अपने बच्चों को किस मुकाम पे लाना है. किसी ने घर बनाना है, किसी ने कोई नाम बनाना है, कोई चाहता है कि मैं अल्लाह के लिए कोई काम करूँ, तो उसमें जज्बे के साथ काम करें और थोड़ा ना करें, बेइंतहा करें. काम में जब काम शुरू कर दिया है तो फिर दिन रात ना देखें, मेहनत करें और इतनी ज़्यादा करें कि जो है आपकी मेहनत की गवाही जो है आपकी कामयाबी है. शुक्रिया फाइज साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और इतनी मस्तूरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने दी. मैं समझता हूँ कि ख़वातीन तक ये मैसेज जाएगा और अखबार अख्तियार तक भी ये मैसेज जाएगा इंशाल्लाह आपका, और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जारी रहेगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया एशियन ट्रेड टीवी को. थैंक यू एशियन ट्रेड टीवी का कि उसने मौका दिया मुझे आवाज़ बाहर तक पहुँचाने के लिए. आपकी टीवी के दस्त में शायद बहुत सारे लोगों तक ये आवाज़ जाएगी, और इंशाल्लाह आपका भी शुक्रिया. और हम इंशाल्लाह आप ख़वातीन के साथ ऐसे ही चलते रहें तो आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे. जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम ख़वातीन को इसी तरह प्रमोट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे यकीन है हुनरमंद ख़वातीन हुनरमंद पाकिस्तान. और इसी बात के साथ शाहिद मियां को एशियन ट्रेड टीवी से अगले एक नई सक्सेसफुल स्टोरी के साथ तक के लिए इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह ने के बाद.